बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आइए आज हम फ्रूट चाट बनाते हैं, यानी कि फ्रूट सैलड बनाते हैं। ये अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है कि कोई क्रीम में बनाता है, मायोनीज में, चाट मसाले में, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको पसंद है। तो जिसमें मैं बनाऊंगी, मैं आपको आज बताती हूँ। आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आ रहे हैं, उनका सीज़न है। तो मैंने लिया है आड़ू 1 कप, एप्पल 1 कप, केले मैंने 6 दो लिए थे, इनको मैंने काट लिया है, आम मैंने 1 कप लिए है, और अंगूर मैंने तकरीबन 1.5 कप लिए है। मायोनीज ली है मैंने थोड़ी सी, और आइसिंग शुगर ली है, और मैंने फ्रेश मिल्क पैक क्रीम ली है। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो मायोनीज ली है, इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये तकरीबन हमने हाफ डाली है। अब हम इसमें हंसपे जाएगा आइसिंग शुगर शामिल कर देंगे, जितनी आपको पसंद है, और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने अच्छे तरीके से शुगर मिक्स कर ली है। आप कोई भी शुगर डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें अच्छे तरीके से हमने मिक्स करनी है। तो अब हम फ्रूट को मिक्स करते हैं। सारे फ्रूट को हम मिक्स कर लेंगे। फ्रूट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। आपने फ्रूट को ज़्यादा देर काट के नहीं रखना, वरना इसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। रशियन सैलड हम पहले बहुत ही मज़े का बना चुके हैं, वो बहुत मज़े का बना था। आप उसकी भी रेसिपी देख सकते हैं, अगर बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्रीम और मायोनीज जो हमने मिक्स की है उसके अंदर। अब आप इसमें फ्रूट चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं डालूंगी। लेकिन आपको कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट मसाला पसंद करते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने हंसपे जायका डाल लें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें से कुछ निकाल के ज़्यादा करेंगे फ्रूट। ये हम दो किस्म का फ्रूट चाट बनाएंगे। इसमें तो आप अपनी पसंद का जितना दिल चाहे काली मिर्च और चाट मसाला डाल के इसको मिक्स करके खाएं, और इसमें हम रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है और बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, आप इसी तरीके से बनाइएगा। रूह अफ़ज़ा डालें, उसमें बहुत मज़ा आता है, और इसमें फ्रूट चाट और काली मिर्च जो मसाले आपको पसंद हैं वो डालें, उससे भी आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरीके से बनाएं। ईद आने वाली है, ख़ुद बना के खाइएगा, अपने घर वालों को पेश कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें मैंगो जूस भी डाल सकते हैं। मैंगो जूस मैंने नहीं डाला, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है क्योंकि रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप भी डालिएगा, इसी तरह बना के खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी सिंपल सी सादी सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।